कृषि क्षेत्र में 7 साल में मोदी जी ने आमूलचूर परिवर्तन लाया। मैं सिर्फ बजटीय आवंटन की बात करना चाहता हूं। 2009-10 में कृषि का बजट 12,000 करोड़ था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 12,000 करोड़ बहुत बड़ा लगता है, मगर 2020-21 में इस बजट को बढ़ाकर 1,34,499 करोड़ रुपया कृषि का। मैं इसलिए बताता हूं कि कृषि क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और कृषि क्षेत्र की ये जो प्राथमिकता है उसको उसके लक्ष्यों तक पहुंचाना सहकारिता के बगैर संभव नहीं है। हमने ढेर सारे किसानों को सपोर्ट देने की बात करी। स्वामीनाथन आयोग आया तब से बात करते थे कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए, कोई नहीं देता था। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से ज्यादा MSP तय कर किसानों को पहली बार फायदा पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, मैं बहुत सारी रिपोर्ट कोट कर सकता हूं जिसके अंदर स्पिरिट थी मगर ये होती नहीं थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 1,58,000 करोड़ रुपया, 1,58,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट DBT से पहुंचाया गया है। मित्रों, स्टार्टअप शुरू करने का एक नया अभियान चलाया है, 10,000 नए FPO बनाए गए हैं, लगभग 6,865 करोड़ रुपया वित्त पोषण के लिए अलग से खर्च किया जाना है, ई नाम मंडी की योजना लाए हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है, और ये सारी चीजों के अंदर सहकारिता क्षेत्र का और पैक्स का एक रोल है। हमने सारी चीजों को अपने पैक्स के अंदर मजबूती से इसका अध्ययन कर इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी गांव स्तर पर बनने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीजें नीचे तक पहुंचे।